तुम वो खाते हो, तुम तो अंग्रेज हो, वो खाते हो गोश्त वोश्त खाते हो ना, क्या खाते हो वो उवर का गोश्त। अबे ओ वो कि तुम्हें दूध की तरह उबाला जाए कि फाड़ा जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस यही है कि मैं उड़ गया हूँ और आप लोग देख सकते हैं कल रात में भी बहुत देर तक के बारिश होती रही। आप लोग बस यही देख सकते कि अभी एक कौवा हैगा और थोड़े बहुत बादल ही बादल है, कुछ जगहों पे आसमान खुला हुआ है। तो कल रात में भी बारिश होती रही और ये सुबह की चाय मेरे हाथ में है और ये सनलाइट रखा हुआ है ड्रम के ऊपर। ये कपड़े धोए थे मैंने कल रात में, मतलब कल शाम के टाइम पे। तो आप लोग देख सकते हैं सनलाइट से धोने का ये फायदा है कि सफाई के साथ महक भी इसी। ये कपड़े जो है मैंने उल्टे करके रखे हुए, आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये उल्टे कपड़े हैं ताकि मट्टी नहीं लगे, अगर मट्टी लगे तो उल्टे साइड पे लगे और सीधा जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा रहे। गुड ब्रेन होता हूँ तो यही करता हूँ कि उल्टे करके कपड़े रख देता हूँ। गाइस मैं दोपहर की नमाज पढ़ने के लिए गया था, ये सारे बच्चे झंडियाँ खेल रहे। कहाँ से चोरी करी तुमने? हमने लूटी है। लूटी है? लूटी है सारी। हमने यहाँ पे। और ये सबसे बड़ा सरदार मिला हो जाए, यही है मिला हो जाए, सबसे बड़ा जुआ खेलने वाला, जुआ खेलने वाला। नमाज पढ़ने के लिए आओ, चलो नमाज पढ़ने चलो। तुम दिखाओ, ये देखो मस्जिद के मौलवी के बेटे। हाँ सभी गंजे भाई, ये नहीं है गंजा, नहीं 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 ये भी था। अपनी हालत क्या बनाई है? अबे जो अभी हालत बनाई है बता, आप चले नमाज पढ़ने। हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। ऐसे डायरेक्ट पानी की लाइन, अबे सामने साइड पानी की डायरेक्ट लाइन खींच के लेके आ रहे हैं यहाँ से। सही है, क्या डायरेक्ट पानी की लाइन खींच लेके आ रहे हैं घर में मस्जिद से। कहाँ से लाइन खोज रहे हैं? मस्जिद से लाइन खोज रही है, डायरेक्ट मस्जिद के अंदर घुस। मदद करवाओ जाओ, तुम्हारा भी यही काम। तो गाइस अभी मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ ली है, मैंने मतलब हसन भाई ने और ये अब्दुल हादी ने। तो हसन भाई 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना रहे, उसकी वजह यही है कि इनकी लाता रहती मतलब अच्छा आराम से बोल रहा हूँ, आराम से बोल। हाँ तो हसन भाई सबसे पहले बोल रहे, एक तो मेरी वैसी तबीयत ख़राब है, ऊपर से मैं इनके कान में चिल्ला रहा हूँ, लेकिन आप लोग जानते हैं गाइस के हल्के बोलूँगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो हसन भाई आपकी तबीयत को कब से 3-4 दिन से क्या हुआ है जी? बहुत नाजुक सूरत हाल है। कोरोना वायरस हो गया, वैक्सीन लगवाई थी? वैक्सीन लग, अबे आराम से वैक्सीन लगवाई थी आपने? नहीं लगवाई थी। जब भी वैक्सीन लगवा लेते ना। नहीं सीरियस बताओ क्या हुआ है? सन में चक्कर आ रहे जी। ये सारा गोश्त खाने का नतीजा है, तुमने गरीबों का हक खाया है ना, गोश्त खाया है, गरीबों को बाधा नहीं, अपने फ्रिज रिफ्रीजर भर ली है, ये उसका नतीजा है। क्या ख्याल है अब्दुल हादी? सिर भाई आपको पता है वहाँ पर जो ना लाइट वालों को इतना बुरा मारा था। कहाँ पे? वहाँ पे लाइट वालों को मारा था? क्यों मारा था लाइट वालों को? अबे भाई आंटी जो ना गाड़ी के अंदर बैठ गई, कह रही है नहीं हम जाने नहीं देंगे, लाइट दो पहले है, मर रहे हैं ये वो। अबे हाँ 3-4 दिन से जब से मुहर्रम शुरू हुआ गाइस 5 दिन हो गए मुहर्रम को, 5 दिनों से हर 4 घंटे के लिए लाइट जा रही है, 10 मिनट के लिए आ रही है, फिर 4 घंटे के लिए आ रही है, 1 घंटे के लिए आ रही है, फिर 4 घंटे के लिए आ रही है। तो ये सब अब्दुल हादी आप लोगों की वजह से हुआ है? हाँ मैं आपको बुराई नहीं डालू। तो गाइस आप लोग हसन भाई साहब हो रही है, ये सारा गरीबों का हक खाने का नतीजा है, अगर गोश्त तो हम लोगों को दे देते हम तीनों को तो आज ये नहीं। नहीं क्यों भाई, क्यों तुम गरीब नहीं हो? नहीं अच्छा भाई ये भी गरीबों का खाता है, कमाई बड़ी लेटो तुम। ला भाई ला, लेटो 1 करोड़ रुपए दे अमीर ने, अमीर 1 करोड़ रुपए दे। ये चप्पल टूट गई है, ये चप्पल ऐसी है हमारी। अच्छा टूटी नहीं है? 3 साल से चप्पल चला रहा हूँ, 3 साल से। ये तुम लोगों के भाई गया, इसका वो गाय है मीटर गाय? मीटर नहीं है, गरीब है ना, मीटर नहीं। ब्रेक लाइट गाय? ब्रेक लाइट भी नहीं है, ये भी टूटा हुआ देखो, मरघाट भी। हाँ और ये भी टूटा हुआ, इधर आओ इधर आओ। अबे इसका चेन कवर भी नहीं है? नहीं नहीं इधर आओ इधर आओ। हाँ और इसके अंदर ये टूट गया देखो, दिखाओ ये टूट गया। खरीद तो आओ। अबे हाँ ना, क्या बोलते हैं जंप पे टूट गई इसको इसको ये चेन की लाती है उसके ऊपर जो लगता है। अबे ओ इसको क्या बोलते हैं इसको 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 हाँ अबे यार ये इसको क्या बोलते हैं? फुट रेस भी दिए हैं। हाँ पिछला फुट रेस भी दिए हैं। कोई जुगाड़ से चिपकाया हुआ है देखो, वेल्डिंग कराया हमने। लो भैया ना वो भी खराब है, कलच बक्सा। पेट्रोल भी नहीं है गाड़ी के अंदर, इतना सा पेट्रोल पड़ा हुआ है। नहीं है कितने का इसको? तो कितने हैं? ये चिड़िया है, फिंच है। फिंच है कितनी है? 2, 4, 6, 8, 12 है, 10 ही आ रहे हैं, 8 है। खादी क्या क्या है? ये दाना सब कुछ खाना जो आप खाते हो वही खाती है।
अच्छा गाइस अभी दोपहर का टाइम है, अभी अभी लाइट गई है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा पंखा बंद हो रहा है और ये फाइनली पंखा बंद हो चुका है। ज्यादा गर्मी हो रही है तो मैं थोड़ा बाहर जाके देख लूँ, शायद शाहरुख वाहरुख मिल जाए मेरे को। तो गाइस जिस बात का डर था वही है कि शाहरुख बाहर बैठा हुआ है। क्या कर रहा है? अबे इतने दूर से कैसे नजर आएगा ये चावल का? क्या कर रहा है? आंखें क्या उल्लू की आंखें? उल्लू की आंखें तो रात में देखती हैं, दिन में थोड़ी देखती है। ये तोते खाते हैं चावल, चौक से उनके लिए ठंडे कर रहा हूँ। अच्छा तो इसके अंदर पकाए थे, अभी तो गर्म हो रहा है, किसके अंदर पकाए थे? इसके अंदर बनाए। पतीली नहीं है घर में? नहीं है, हम शुद्ध गरीब। तो चावल सिर्फ उबाले हुए होंगे या तेल वेल डाला था कोई? नहीं उबाले, सिर्फ उबाले खाते हैं। उबले हुए चावल तुम भी खा लेते होगे? हाँ, रिजा के खाने की चीज़ें। तुम तो वो खाते हो, तुम तो अंग्रेज हो, वो खाते हो गोश्त वोश्त खाते हो ना? क्या खाते हो? वो उवर का गोश्त। अबे ओ वो खाते हो तुम? ऐसे गंदे गंदे जानवरों का नाम नहीं लिया गया मेरे व्लॉग में? क्या क्या होता है? क्या होता है? क्या उवर होता है? क्या होता है उवर? उवर गंदे गंदे जानवरों के नाम नहीं लिया गया। अनाज खाते हैं हम, अनाज अनाज खाते हैं। तो अनाज से जानवर भी खाता है? तो जानवर ही तो है। ब्लडी फूल। तो गाइस अभी शाम का टाइम है और एक तरफ पंखा चल रहा है, दिखाना अमन, क्योंकि अमान बैठा हुआ है, अमान एक तरफ हवा खा रहा और एक तरफ मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। असल में बारिश का मौसम हो रहा है, अगर बारिश हो गई तो और भी ज़्यादा जो है कचरा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी झाड़ू लगा के अभी नहा लेता हूँ खारे पानी से, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है हो ना हो। और ये बैठे में यद्दान भाई? हाँ ये यद्दान भाई साफ सुथरे हो गए बैठे हुए, क्योंकि हम लोगों को जाना है नस किया। यद्दान भाई पहले ही आ चुके हैं, मैं जरा झाड़ू लगा के नहाऊंगा उसके बाद हम लोग जाएंगे अनस के घर पे। गाइस फाइनली बारिश हो चुकी है और मैं नहा रहा था तो हम लोगों का अनस के घर पे जाना था, लेकिन वो प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है क्योंकि जाहिर सी बात है बारिश हो गई है। तो आज का व्लॉग इसी बारिश में ही ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे न्यू व्लॉग में।